हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस कला। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे हम ब्रोकेट के ब्लाउज पीस का यूज़ करेंगे। तो देखिए, 9x6 इंचेस के ये पार्ट है जिसके नाप से फॉर्म और नॉर्मल कट किया है और इसे स्टिच करके जोड़ लीजिए। तो ये मैंने 3 पार्ट कट किए हैं और एक है जो नॉर्मल के पीछे नॉर्मल ही हमने रखा है और 2 में हमने ब्रोकेट के ब्लाउज पीस रखे हैं और ऐसे आपको राउंड शेप कॉर्नर पे दे देना है। और दोस्तों, अगर आपके पास नॉनवन नहीं है तो शॉपिंग बैग का यूज़ कीजिए, राइस बैग बोरी का यूज़ कीजिए, सिंपल अस्तर लीजिए। फिर भी अगर आपको बनाने की इच्छा है तो ज़रूर बनाइए। और अगर आपने ऐसा बनाया है तो मुझे कमेंट करके भी बताना। और ये 3 पार्ट को हमने काट लिया और इसे फोल्ड करके यहाँ पर नॉचेस लगा दीजिए। सेम यही नॉचेस दूसरी साइड भी लगा दीजिए। तो ये 3 पार्ट में हमने देखिए नॉचेस लगा दिया। फिर ना आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों नॉचेस को ऐसे मार्क कर लीजिए। फिर ना मैंने 2 इंचेस पे दोनों साइड सेंटर से मार्क किया है, देख लीजिए। फिर 7x3 इंचेस की ये स्ट्रिप ली है जिसे आप फोल्ड कीजिए और स्टिच कर लीजिए। स्टिच करने के बाद आप इसे ऐसे फोल्ड करें, यहाँ पर स्टिच करें ऐसे फोल्ड करते हुए, और दूसरी साइड फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए। इसीलिए ये हो जाएगा हमारा हैंडल जिससे हम कैरी कर सकते हैं ना। तो अब हम 2 स्ट्रिप ऐसी ले रहे हैं, देखिए, जिसका नाप है 7.5x3 इंचेस। और देखिए, इसे भी मैंने फोल्ड करके सेंटर में नॉचेस लगाया है। अब यहाँ पे दोनों नॉचेस को मिला के यहाँ पे स्टिच कीजिए। देखिए, दोनों साइड थोड़ा थोड़ा खुला रखना है। फिर मैंने ये 2 बड़े बॉर्डर कट किए हैं, 2.5x19 इंचेस के हैं। देखिए, दोनों साइड इसमें भी सेंटर में हमने नॉचेस लगा दिया है। अब देखिए, 19 इंचेस की जिप लीजिए और दोनों में अटैच कीजिए। फिर प्रेस स्टिच कर लीजिए। प्रेस स्टिच करने के बाद इसके अंदर रनर डाल दीजिए। देखिए, रनर डालना बहुत ही आसान है। ऐसे ओपन करके इसके अंदर ऐसे पुश कीजिए और रनर आपका इजीली चला जाएगा। ऐसे खींच लीजिए। तो दोनों में आपको यही स्ट्रिक से मैंने दोनों साइड रनर डाल दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसे ऐसा उल्टा रखिए, यहाँ पे जोड़ लीजिए, प्रेस स्टिच कर लीजिए। प्रेस स्टिच हो जाए उसके बाद आपको यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करना है। देखिए, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे अब ये जो खुला है उससे स्टिच कर लीजिए और प्रेस स्टिच भी, और यहाँ पर भी स्टिच करें। ये काम हमारा हो गया है। अब देखिए, ये रेसे ना निकले इसीलिए ऐसे स्ट्रिप से आपको कवर सिलाई करनी है। देखिए, हमने ऐसे दबाते हुए कवर सिलाई कर ली। फिर उसे सीधा कर लीजिए। फिर जो हमारा दोनों साइड नॉर्मल वाला पार्ट था उसे लीजिए और इसे ऐसे पूरे राउंड में स्टिच कर लीजिए। ये जो ऊपर का पार्ट था उसे सीधा करना जरूरी था, उसके बाद ही आपको ज्वाइंट करना था। फिर आपको ये जो 2 पार्ट में से एक पार्ट हमें ऐसे ज्वाइंट करना है नॉचेस को मिलाते हुए। फिर जिप वाला पार्ट लीजिए, देखिए यहाँ पे जोड़िए दोनों साइड, और यहाँ पे कवर सिलाई हो गई और पूरे राउंड में हमने स्टिच कर लिया, आप देख सकते हो। फिर हमने पहले जो कवर सिलाई करी थी ना, वैसे ही यहाँ पे कर लेंगे स्ट्रिप लेके। देखिए, अब जो ये पार्ट है उसे ऐसे उल्टा रखिए और पूरा स्टिच कर लीजिए। नॉचेस को आपको मिलाते हुए कर लेना है। देखिए, यहाँ पर हमने कवर सिलाई भी कर ली। अब यहाँ से ओपन कीजिए तो यहाँ पे देखिए 2 पॉकेट वाले अच्छे से मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गए हैं। तो ये इजी तरीका है, आप जितने भी बना सकते हैं। जैसे ये 2 पॉकेट ऐसे 3, 4, 5 ऐसे आप बना सकते हो और बाज़ार में लेने जाओगे तो ये बहुत ही महंगा मिलता है। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। हम ऐसे आइडिया के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, वंदे मातरम।